So, दोस्तों, we have solved question number 4. Now, I am directly moving to the 6th. I am skipping the 5th question because it is almost similar as question number 2, 3 and 4. So, I am skipping this. Now, question number 6 is diagonal AC. Question number 6 is diagonal AC of a parallelogram. पैरेललोग्राम को आई एम राइटिंग इन शॉर्ट ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए शो दैट दो केसेस दे हुए फर्स्ट इज इट बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो And second is ABCD is a rhombus. Rhombus. Diagram कुछ इस तरह है. ये parallelogram है. A, B, C, D. And this is diagonal. Diagonal AC of a parallelogram means this is AC and it is a diagonal. बाइसेक्ट एंगल ए ये एंगल है ए बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स दो इक्वल पार्ट्स एंगल ए के हो रहे हैं एक पार्ट ये एंड एक पार्ट ये बाइसेक्ट का मतलब ये होता है जिस भी चीज़ को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं मीन्स उसके दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं अगेन आई एम रिपीटिंग अगर लाइन का बाइसेक्ट है मान लीजिए लाइन है इसको ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है मीन्स ये पार्ट एंड ये पार्ट इक्वल है ठीक है एंड सिमिलरली कोई एंगल है और ये उसका बाइसेक्टर है मीन्स दीज टू पार्ट्स आर इक्वल बाइसेक्ट वर्ड इटसेल्फ शोज टू पार्ट्स आर इक्वल सो एसी इज अ डायगनल विच इज बाइसेक्टिंग एंगल ए यानी ये एंड ये आर इक्वल हमें प्रूफ करना है इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो मीन्स वी नीड टू प्रूव दैट दीज टू पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल गिवन नहीं है अंडरस्टूड है बट हमें प्रूफ करके दिखाना है ठीक है सो व्हाट विल डू सबसे पहले गिवन जो है वो हम लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम डायगनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए ये गिवन था तो हमने लिख दिया जब इतना हमें पता है तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी आप यहां पर लिख सकते हैं आइदर यू कैन राइट गिवन और यू कैन राइट होल प्रॉपर्टी कि द डायगनल ए सी इज गिवन विच इज बाइसेक्टिंग एंगल ए आप चाहें तो यहां पर पूरा लिख सकते हैं या गिवन शॉर्ट में लिख सकते हैं ठीक है इसको हमने नाम दिया इक्वेशन वन नाउ सेकेंड इज एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी वाई दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इफ वी हैव टू पैरेलल लाइन एंड वन ट्रांसवर्सल इज क्रॉसिंग दीज टू लाइन देन दिस काइंड ऑफ एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स तो सिमिलरली यहां पर भी हो रहा है ब्लू से देखिए ये दिस वन इज इक्वल टू दिस वन बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर सिमिलरली दिस वन इक्वल्स टू दिस वन ये हम लिख सकते हैं तो हम यहां पर यूज करेंगे इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल आप पूरी शॉर्ट मैंने शॉर्ट में लिखी है आप पूरी लॉन्ग लिख सकते हैं कि वी नो दैट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ जो भी पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल उसे क्रॉस कर रहे हैं देन इट विल इक्वल इसी के साथ सिमिलरली क्या होगा एंगल डी सी ए इक्वल्स टू एंगल बी ए सी डी सी ए एज आई टोल्ड यू कि ये एंड ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ये हमने लिख दिया दिस इज इक्वेशन टू एंड इसको हमने इक्वेशन थ्री नाम दिया नाउ फ्रॉम वन टू एंड थ्री
from 1, 2 and 3. क्या होगा? Angle BCA is equal to angle DCA. ध्यान से देखिए, BCA equals to DCA. ये दोनों एंगल क्या आ गए हमारे? इक्वल. एंड हमें क्या प्रूफ करना था? कि AC जो डायगनल है, which is already bisecting angle A, and हमें प्रूफ करना था कि it is also bisecting angle C. जब ये दोनों पार्ट इक्वल आ गए, it means ये bisect हो रहे हैं. और किस लाइन के थ्रू बाइसेक्ट हो रहे हैं? AC के थ्रू. तो जो प्रूफ करना था वो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया. तो आप यहां लिख सकते हैं कि नाउ वी कैन से दैट AC, देयरफॉर AC bisects एंगल C also. ठीक है, ये हमारा एक प्रूफ हो गया. नाउ सेकेंड, सेकेंड में भी हम इन्हीं इक्वेशन को यूज करेंगे. फ्रॉम 1 एंड 2 इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए. ध्यान से देखेंगे, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, जो हमारे पास इक्वेशन के थ्रू हमें डायरेक्टली मिल रहा है. एंड अभी जस्ट हमने से प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर दो एंगल इक्वल हैं, मींस वो वाली उसकी पर्टिकुलर साइड्स भी इक्वल होती हैं थ्रू आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो वो यहाँ पर यूज हो जाएगी. इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि साइड, देयरफॉर साइड्स ए बी इक्वल्स टू बी सी. आप यहाँ चाहें तो पूरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं. ए बी इक्वल्स टू बी सी मीन्स ये दीज टू साइड्स भी क्या आ गई? इक्वल आ गए, राइट? अब ये जब हमारे पास आ गया तो सिमिलरली इधर भी हम ये सारा एज ए प्रूफ कर सकते हैं. हमारे पास आ गया है ए बी इक्वल्स टू बी सी. नाउ वी कैन राइट ए बी इक्वल्स टू सी डी. पैरेललोग्राम दिया है तो मीन्स ए बी सी डी के इक्वल है. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ए बी इक्वल्स टू सी डी. Opposite sides of parallelogram are equal, right? अब इसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं? BC equal to CD. AB BC के इक्वल है, AB CD के इक्वल है. Means BC जो है वो CD के इक्वल है. Means all four sides जो है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल है. Means AB BC CD and AD are equal. But again I am repeating how we can write this. We have proved these two angles are equal through isosceles property. These two sides are equal. And as we know that opposite sides of parallelogram are also equal. Similarly this is equal to this. तो ये आपस में चारों जो sides हैं वो क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के equal. जब चारों side equal हैं, डायगनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं और आगे हम और चाहे तो 90 डिग्री वाला पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं, देन इट्स अ रोम्बस. अभी केवल हमने ये प्रूफ किया है कि चारों साइड्स इक्वल है, मींस इट्स अ रोम्बस. इसके आगे अगर हमें और प्रूफ करना है तो हम डायगनल ये लेके एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, और जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वो भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. दिस वॉज द सिक्स्थ क्वेश्चन. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन. सेवेंथ एंड एट्थ क्वेश्चन आर ऑलमोस्ट सिमिलर, सो आई एम स्किपिंग एंड आई एम डायरेक्टली टेकिंग द नाइन्थ क्वेश्चन विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्वेश्चन. नाइन्थ इज इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी टू पॉइंट्स पी एंड क्यू are taken on diagonal BD such that DP equals to BQ.
show that five parts are okay. Step by step we'll solve parts. APD is congruent to triangle CQB. Second is AP equals to CQ. Third is triangle AQB is congruent to triangle CPD. Fourth is AQ equals to CP. And fifth is APCQ is a parallelogram. Diagram already given hai question mein. A B C D is a parallelogram, means it is given that this is already a parallelogram. So we can use all the properties of parallelogram. ठीक है, साथ में हमें दिया है diagonal BD. So we'll join BD. There are two points, one is P and one is Q, right? जब हम इन्हें join करेंगे तो एक नई figure बनेगी P and Q. We need to prove that this is also a parallelogram. But उसके पहले हमें चार और parts prove करने हैं, then automatically ही आ जाएगा कि ये parallelogram है. तो step by step we'll solve first part. जो गिवन है हम वो लिखेंगे. वी हैव ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम हैविंग डायगनल बी डी. डायगनल बी डी इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया है, बट हमें एक चीज दी है सच दैट DP equals to BQ. DP is equals to BQ. जो हमें कहीं यूज आएगा तो हम इसको यूज करेंगे, गिवन है. ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल APD एंड CQB. व्हाई वी आर टेकिंग दिस टू ट्रायंगल? Because we need to prove that these are congruent. तो हम इसके बारे में ही बात करेंगे. We have जो जो given है वो हम लिखेंगे. DP equals to BQ already question में given है, such that DP equals to BQ. ठीक है, second is AD equals to CB. AD equals to CB. Why? Because opposite sides of a parallelogram are equal and ABCD जो है वो parallelogram दिया हुआ है. ठीक है, so here we can use AD equals to CB and what reason you will write? Opposite sides of parallelogram are equal. Third is angle ADP is equal to angle CBQ. Alternate interior angles are equal. ठीक है, ADP इसको हम ब्लू से बनाएंगे, ADP. And CBQ means this one. ये ट्रांसवर्सल है, BD is a transversal. एंड लाइन्स आपकी पैरेलल है एडी एंड बीसी. जब दो लाइन्स पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उसे क्रॉस कर रही हो, दिस काइंड ऑफ एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दैट आर इक्वल. तो हमने यूज कर लिया दो साइड और एक एंगल, तो हम क्या लिखेंगे? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल APD is congruent to CQB. First part हमने कर लिया. Triangle APD is congruent to, sorry, this is triangle CQB. ये हमने प्रूफ किया. कैसे हमने प्रूफ किया?
पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो इस ट्रायंगल में हमें ए पी डी यानी ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल, इन दो के बारे में हम बात करते हैं। ये साइड इसके इक्वल थी, ये पार्ट इसके इक्वल ऑलरेडी गिवन था, ये एंगल एंड ये एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई। सो ये ब्लू शेडेड रीजन इज कॉन्ग्रुएंट टू ब्लू शेडेड रीजन। अब उससे हमें क्या मिल गया, क्यू सी इक्वल टू ए पी बाय सीपीसीटी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं बाय, इसको मैं रब करती हूं, क्यू सी इक्वल्स टू ए पी बाय सीपीसीटी, सी क्यू इक्वल्स टू ए पी। ये हमें मिल गया, बट दिस इज अवर सेकेंड पार्ट, तो ये हमारा ऑलरेडी हो गया। जब हम कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हम करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल बता सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट था कि जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की, एंड सेकेंड में हम लिखेंगे आफ्टर प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंसी बाय सीपीसीटी सी क्यू इक्वल्स टू ए पी। तो सेकेंड पार्ट में हमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ थर्ड पार्ट, इसको मैं रब करूंगी, आप इसे नोट डाउन कर लें। इन थर्ड पार्ट वी नीड टू प्रूफ ट्रायंगल ए क्यू बी ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड सी पी डी। देखें क्या क्या हमें पता है, डी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ये तो हमें गिवन है। ए क्यू बी यानी अब हम जो पिंक शेड कर रहे हैं वो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, जिसमें हमें ऑलरेडी क्यू बी एंड ये साइड पता है, डी पी इक्वल्स टू बी क्यू। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में साइड तो वही है। सेकेंड जो हमारे पास है ए बी इक्वल्स टू डी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी, सेम वही रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, थर्ड जो है अगेन अल्टरनेट इंटीरियर हम लगाएंगे, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। डायग्राम में देखेंगे, एंगल ए बी क्यू मीन्स दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, सेम जो हमने ब्लू शेडेड रीजन में प्रूफ किया था सिमिलरली हमने वैसा की वैसे ही किया। बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, ये हमें लेके आना था। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ बाय सी पी सी टी हो जाएगा, बाय सी पी सी टी ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, बिकॉज वेन वी प्रूव टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल विल ऑल्सो इक्वल। तो हमारा क्या आ गया, ए क्यू इक्वल्स टू सी पी। अब यहाँ पर आप डायग्राम में आइए, ध्यान से देखिए, हमने ये जो है ये प्रूव कर दिया। प्रीवियस पार्ट में हम ये प्रूव कर चुके थे ए पी इक्वल्स टू क्यू सी, एंड नाउ वी हैव प्रूव दैट ए क्यू इक्वल्स टू पी सी, दोनों चीज हमारे पास आ गई। तो नाउ वी हैव फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ को हम रब करके लिखेंगे, फिफ्थ इज नाउ वी हैव ए पी इक्वल्स टू सी क्यू एंड ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, मीन्स देन ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज इक्वल टू दिस and this equals to this, and what is the property of parallelogram, opposite sides of parallelograms are equal, it means jab opposite sides dono taraf ki equal aa chuki hai means this diagram is a parallelogram. The fifth mein aapko theory likhna padegi ki we have already proved that this side is equal to this, this side is equal to this, it means opposite sides are equal and parallel, means it's a parallelogram. ठीक है, सो दिस वॉज द नाइन्थ क्वेश्चन, इट वॉज क्वाइट डिफरेंट, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे।
सो 10th क्वेश्चन इज एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम एंड एपी एंड सीक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टाइसेस ए एंड सी ऑन डायगनल बी डी शो दैट फर्स्ट पार्ट इज कॉन्ग्रुएंसी ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू डी एंड सेकेंड इज AP equals to CQ. डायग्राम हमें ऑलरेडी गिवन है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी. ए बी सी डी ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टाइसेस ए एंड सी ऑन डायगनल बी डी मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट दिस डायगनल. They are not talking about AC, they are talking about BD. And AC is BD पर एक perpendicular है. And similarly, इधर भी एक perpendicular है. इसको हम नाम दे देंगे P and Q. Because it is mentioned in the question. Perpendicular है, it means it is 90, 90, 90 and 90. Because the definition of perpendicular is, if a line and एक point से उस पर एक line fall हो रही है, and if it is making 90 degree on both the sides means this is perpendicular on this. मान लीजिए OL है and ये we can write OL is perpendicular on AB. ये हम already previous class में पढ़ चुके हैं. So 9th question is also a different kind of, sorry 10th question is also different kind of question. We are solving 10th. First part हम लेंगे सॉल्यूशन जो हमें गिवन है पहले हम वो लिखेंगे एंड सारा हम गिवन लिख देंगे देन इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी व्हाई वी आर टेकिंग दीज टू ट्रायंगल बिकॉज वी नीड टू प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट तो हम इन्हीं की बात करेंगे ए पी बी ए पी बी मीन्स दिस रीजन एंड सी क्यू डी मीन्स दिस रीजन इसमें हमें जो जो गिवन है वो हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू डी सी ए बी इक्वल्स टू डी सी बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देखिए स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन वही की वही प्रॉपर्टी लगती है तो हमें कर बार बार प्रैक्टिस करने से याद भी हो जाती है सेकेंड इज एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी कौन सा एंगल हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ध्यान से देखेंगे ए बी डी ए बी डी मीन्स दिस वन इज इक्वल टू दिस वन अगेन वही दो पैरेलल लाइन है एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल सो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल तो सेकेंड हमने लिख दिया थर्ड हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 90 डिग्री वाला क्लू क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए पी बी इक्वल्स टू सी क्यू डी बोथ 90 डिग्री ये हमें क्वेश्चन में क्लू में दिया हुआ है ए पी बी मीन्स दिस ब्लू वन एंड दिस ब्लू वन आर इक्वल क्योंकि वो 90 डिग्री दिए हुए हैं परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हमने इसको यूज किया कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई बाय आर एच एस क्योंकि 90 डिग्री है तो हमने उसको यूज किया ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी ठीक है अब जब ये आ गया है तो हम सी पी सी टी के थ्रू जो हमें बाकी पार्ट थे वो लिख सकते हैं तो हमने क्या किया स्टूडेंट यहां पर ये दो ट्रायंगल लिए इन दो ट्रायंगल में हमें एक क्लू ऑलरेडी गिवन था कि ये 90 डिग्री है
सेकेंड ये पैरलोग्राम गिवन था, मीन्स हम अपोजिट साइड्स आर इक्वल यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड जो है पैरेलल लाइंस हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज कर सकते हैं। तो हमने एंगल एंगल और साइड लिया, राइट हैंड साइड वाला राइट एंगल बन रहा था, इसलिए हमने बाय आरएचएस लिखा कि दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। और जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर था, ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगी, बिकॉज वी हैव प्रूव दैट दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस ट्राइंगल, सो दिस परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू दिस। तो हम लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी एपी इक्वल्स टू सीक्यू। बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन था, बट प्रॉपर्टीज इसमें हमारी काफी सारी लगी, तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ 11th क्वेश्चन, 9th एंड 10th वी सॉल्व, नाउ 11th। इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ एबी इक्वल्स टू डी, ये हमें गिवन है, सो वी कैन यूज दिस। एंड ए बी पैरेलल टू डी, ये भी गिवन है। बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, दिस इज ऑल्सो गिवन, सो वी कैन यूज दिस। वर्टाइसेस ए बी सी आर जॉइन टू वर्टाइजेस डी ई एफ शो दैट पांच छह पार्ट है इसके क्वेश्चन के। फर्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। सेकेंड पार्ट है क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज अगेन अ पैरेललोग्राम। थर्ड है ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इक्वल्स टू सी एफ। फोर्थ क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। फिफ्थ इज ए सी इक्वल टू डी एफ एंड सिक्स्थ इज ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिखने में जरूर लंबा चौड़ा है, बट इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ए बी ई डी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज एफ। स्टेप बाय स्टेप इसे हम सॉल्व करेंगे, और काफी इजी क्वेश्चन है, बट इट्स लुकिंग लाइक अ लेंथी क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, जो जो हमें पता है हम वो लिखेंगे। ए बी इक्वल्स टू डी, ए बी इक्वल्स टू डी एंड ए बी पैरेलल टू डी, ये हमें गिवन है। तो आप यहां ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इट्स गिवन। अपोजिट साइड्स अगर किसी की पैरेलल एंड इक्वल है, देन दैट डायग्राम शुड बी अ पैरेलोग्राम। हम ऑलरेडी पैरेलोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं,
कि इफ अ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन दैट डायग्राम इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा डायग्राम है, अगर ये इसके इक्वल एंड पैरेलल है सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए इतना काफी है, आगे रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, देन वी नीड टू प्रूफ सो मेनी प्रॉपर्टीज, बट हमें यहाँ पर केवल बताना है कि इट्स अ पैरेललोग्राम। सो बाय यूजिंग दिस वी कैन राइट ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। कितना छोटा सा था ये, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड में हमें दिया है क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, यहां हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। नाउ सेकेंड इज बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम, अगेन वही हम यूज करेंगे, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। बाय यूजिंग दिस अगेन वी कैन राइट क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। मींस फर्स्ट टू पार्ट में तो हमें कुछ भी प्रूफ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज दिया हुआ था एंड उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने रीजन दिया कि इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन द पर्टिकुलर डायग्राम शुड बी अ पैरेललोग्राम। नाउ थर्ड पार्ट, इसको हम रैप कर दें, आप नोट डाउन कर लें। थर्ड पार्ट इज AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल्स टू CF, हमें ये लाके दिखाना है। AB ED इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज AB ED, AB ED इज अ पैरेललोग्राम, सो वी कैन राइट BE पैरेलल टू AD। हमने ये ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया ए बी डी इज अ पैरेललोग्राम, बिकॉज एक पेयर हमें दिया हुआ था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बाय यूजिंग दिस हमने ये वाला पेयर भी यूज कर लिया कि बीई एंड ई डी विल बी पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, बीई एंड ई डी इक्वल भी होंगे एंड पैरेलल भी होंगे, ठीक है। अब जब हमने ये लिख दिया, सेकेंड लिखेंगे हम ऑल्सो बीई एफ सी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया, ऑलरेडी प्रूफ, यहां भी हम लिखेंगे ऑलरेडी प्रूफ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में। सो बाय यूजिंग दिस वी कैन राइट बीई पैरेलल टू एफ सी एंड बी इक्वल टू एफ सी। अब ध्यान से देखेंगे इसको, BE equals to AD, BE equals to AD एक पार्ट में हमने लिखा, दूसरा हमने प्रूफ कर दिया BE equals to FC। देखिए ध्यान से, आई एम यूजिंग पिंक चौक, फर्स्ट हमने लिखा BE दिस वन इज पैरेलल एंड इक्वल टू दिस वन, राइट। इन सेकेंड केस BE इक्वल एंड पैरेलल टू दिस वन, वट इट शोज दिस थ्री आर पैरेलल, मतलब ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इफ ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, देन ए इक्वल्स टू सी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई एम इक्वल टू दिस स्टूडेंट एंड दिस इज इक्वल टू दिस, देन आई will equal to this, ये हम already use कर चुके हैं, A equal to B, B equal to C, then A equal to C. Similarly यहाँ पर ये line इसके parallel है, ये line इसके parallel है, means ये सारी आपस में parallel है, ठीक है। तो हमने ये use किया, इसके through हम conclusion लिख सकते हैं, from 1 and 2, इसको हमने नाम दे दिया 1 and this is 2, so from 1 and 2 we can write AD equals to CF। हम कहां लिखे इसे, हम इसे रब करके यहां पर यूज कर लेते हैं, हमने ऑलरेडी लिखा 1 एंड 2, मैं फिर से लिख देती हूं,
बी इक्वल्स टू ए डी एंड बी इज पैरेलल टू ए डी, ये हमने अभी बताया। इन सेकेंड केस बी ई इक्वल्स टू एफ सी एंड बी ई इज पैरेलल टू एफ सी। सो बाई यूजिंग दिस आई कैन राइट फ्रॉम वन एंड टू ए डी इज इक्वल टू सी एफ और ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। तो थर्ड जो पार्ट था इसमें हमें यही बताना था एंड फोर्थ पार्ट हम इसी के साथ कंटिन्यू कर लेंगे। दिस वॉज द थर्ड पार्ट जो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। फोर्थ वॉज जब हम ये पेयर इक्वल ले आए हैं मीन्स ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। डायग्राम को ध्यान से देखेंगे ए डी इक्वल्स टू सी एफ एंड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ हम लेके आ चुके हैं। एज आई टोल्ड यू इफ ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी देन ए इक्वल्स टू सी। बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। फिफ्थ में भी हम ऐसा बोल सकते हैं। फिफ्थ में हम लिखेंगे ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम मीन्स ए सी इक्वल्स टू डी एफ। फिफ्थ पार्ट जो था ए सी एफ डी हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं। ये ऑलरेडी इक्वल एंड पैरेलल है तो दिस विल ऑल्सो इक्वल एंड पैरेलल। तो स्टूडेंट्स जो ये फाइव पार्ट थे बहुत ही छोटे छोटे थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे। नाउ सिक्स्थ पार्ट आप इसको नोट डाउन करें। सिक्स्थ इज हमें लिख के आना है ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम यूज करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ जो जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। ए बी इक्वल्स टू डी ई ऑलरेडी गिवन। सेकेंड इज बी सी इक्वल्स टू ई एफ गिवन। दो चीज तो हमें ऑलरेडी दी हुई थी। थर्ड इज ए सी इक्वल्स टू डी एफ जस्ट नाउ वी प्रूव्ड इन फिफ्थ पार्ट राइट। सो दीज टू ट्रायंगल आर ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बाय एस एस एस, बाय विच प्रॉपर्टी, बाय एस 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 दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी हमने यूज करी। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक पेयर अगर हमारे पास आ गया कि पेयर इक्वल है एंड पैरेलल है देन दैट पर्टिकुलर फिगर इज अ पैरेललोग्राम। वो हमने तीन पार्ट में यूज किया। एक और पार्ट जिसमें आया तो हमारे पास ये आया कि दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इक्वल्स टू दिस लाइन मीन्स ये भी एक पैरेललोग्राम हुआ एंड ये भी एक पैरेललोग्राम हुआ। एंड जब ये एक पैरेललोग्राम है तो ये वाला पेयर भी अपोजिट इक्वल एंड पैरेलल होगा। और उसके बाद हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी। सो दिस वाज द 11th क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज 12।